तो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी, आ गया हूं एक और गेटेड सोसाइटी में। और दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं, आपको ग्रीनरी मिल जाएगी, अंदर ही पार्क मिल जाएंगे, गेटेड सोसाइटी रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा ब्यूटी क्या कि दोस्तों बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे, जी हाँ, हाईवे से हार्डली है 200 मीटर अंदर रहने वाली है। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लो राइज फ्लोर, विद लिफ्ट मिल जाएंगे, विदाउट लिफ्ट मिल जाएंगे। सारी प्राइसिंग दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे दोस्तों वीडियो होती है उनकी सारी प्राइसिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है, वो ज़रूर आप चेक कर ले करें। तो आइए, ये देखिए, ये हमारे एलिवेशन है, रेडी टू मूव है दोस्तों इन्वेंट्री, लोग रहना भी शुरू कर दिए हैं। और ये हमारा आ जाता है नीचे पार्किंग एरिया, तो आपको थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ पार्किंग एरिया का भी, क्योंकि नीचे आपको एक स्टोर भी मिलने वाला है। स्टोर का जो साइज रहने वाला है वो है 7x5। तो आइए, ये देखिए, ये पार्किंग, ये हमारी पूरी पार्किंग आ जाती है, आराम से आपकी यहाँ पे 6 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए विद लिफ्ट है, तो ये देखिए ये हमारा लिफ्ट एरिया आ जाता है, ऑपरेशनल लिफ्ट है। और ये हमारा बिल्कुल सामने आ जाएगा स्टोर, तो ये देखिए ये हमारा आ जाएगा स्टोर, 7x5 इस स्टोर का साइज रहने वाला है। तो यही घर का हम आज करने वाले हैं टूर। और आप भी दोस्तों अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो 1350 कैट में बना हुआ बहुत ही प्यारे लो राइज फ्लोर, बैंग ऑन पटियाला हाईवे। तो चलिए करते हैं इस घर का टूर। तो ये हम पहुंच चुके दोस्तों अपने 1350 कैट में बना हुआ बहुत ही प्यारे लो राइज फ्लोर। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगी, विद लिफ्ट मिल जाएगी और विदाउट लिफ्ट मिल जाएगी। एक फ्लोर पे आपके दो ही घर मिलते हैं। और देखिए एंट्रेंस डोर बहुत प्यारा, बहुत हैवी, 8 फीट का एंट्रेंस डोर मिलता है। और ये वाला जो हमारा फ्लैट है, ये देखिए विद लिफ्ट, ये लिफ्ट की डक्ट आ जाती है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक, ये देखिए स्मार्ट लॉक आ गया। और जैसे हम अंदर आते हैं सबसे पहले हमारा आ जाता है ये फॉयर एरिया। और अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, 8x4 इसका साइज रहने वाला है। और यहाँ आ जाएगी हमारी मॉडल किचन, ये देखिए मॉडल किचन 11x8 इसका साइज रहने वाला है। तो आइए दिखाता हूँ आपको मॉडल किचन का व्यू। ये स्पेस आपकी आ जाएगी रेफ्रिजरेटर के लिए। और डाउन सीलिंग देखिए, पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग ऐसे ही मिलने वाली है। यू शेप में आपको ये मॉडल किचन मिल जाती है। यहाँ पे आपको दोस्तों चिमनी की फ्रिज भी मिलती है, चिमनी हम इंस्टॉल करके देंगे। तो ये आ गया आपका मॉडल किचन, देखिए डबल लेमिनेटेड, सेम सिमेट्री आपको यहाँ मिल जाती है। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े आपको सारी किचन सॉफ्ट फ्लोर के साथ। ये भी देखिए कॉर्नर गैस पाइपलाइन आपके अंडरग्राउंड रहने वाली है, बहुत प्यारा आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए आपको डबल हैंडल किचन मिलती है, डबल लेमिनेटेड, और सेम सिमेट्री आपको नीचे आ जाती है। सारी किचन आपको डबल लेमिनेट मिलती है। यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉइस प्रूफ सिंक, यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट के लिए। सारी प्रोविजनिंग आरओ की गीजर की आपको मिलने वाली है। तो एक बहुत प्यारा दोस्तों घर बना हुआ बिल्कुल पटियाला हाईवे के साथ, हाईवे से जैसे मैंने आपको बताया हार्डली 200 से 300 मीटर रहने वाला। तो आइए चलते हैं, जैसे हम अंदर आते हैं ये हमारा आ जाता है पहला बेडरूम। और ये देखिए पूरे घर में आपकी 4x2 की डबल चार्ज बैटरी में टायर लगी हुई है। तो ये आ गया हमारा पहला बेडरूम। इसके अंदर मैं साइज की बात करूँ, 13x10 इसका साइज रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए बहुत हैवी फॉल सीलिंग, कंसील लाइट्स का बहुत अच्छे लग रही है, डिजाइन बहुत प्यारा है। और यहाँ आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। तो आइए देखता हूँ आपको वॉशरूम का व्यू। और अगर मैं इस वॉशरूम के साइज की बात करूँ, 5x5 इसका साइज रहने वाला है। देखिए पूरी आपकी वॉल हाइट तक दोस्तों आपकी टाइल्स लगी हुई है, सीलन उपड़े का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका आ जाएगा बाथिंग एरिया। और यहाँ पे आपकी वॉल हैंग सीडी इंस्टॉल होने वाली है। तो एक अच्छा दोस्तों आपको पूरा एक लग्जरी वॉशरूम मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए। तो जैसे दोस्तों आप इसको फाइनल करते हैं, सब कुछ आपको मॉडर्न किचन विद किचनी, मॉडर्न किचन में आपको दोस्तों विद चिमनी मिलने वाली है, मॉडर्न किचन में आपको चिमनी मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे पूरे वॉशरूम आपको रेडी मिलने वाले हैं, आपको फुली लोडेड वॉशरूम मिल जाएगी। और ये अगेन यूपीवीसी के साथ हमारा आ जाएगा फ्रंट बालकनी। तो आइए दिखाता हूँ व्यू बालकनी का। और अगर मैं दोस्तों इस बालकनी के साइज की बात करूँ,
देखिए पूरे घर भरे हुए लोग रह रहे हैं। और अगर मैं इस बालकनी के साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज रहने वाला है वो है 18x4 का। तो यहाँ पे आपको टैप की सुविधा मिल जाएगी, आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ आ जाएगी, सिलेंडर आपका यहीं रहने वाला है। तो ये था हमारा फ्रंट बालकनी व्यू। और दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बोथ साइड ओपन यूनिट अवेलेबल है, जल्दी करिए। अगर आपको बोथ साइड ओपन यूनिट चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए दोस्तों आप जल्दी से कॉल करें अपनी विजिटर मैनेजर और इस एंगल से देखिए फॉल बहुत पूरे घर में आपको स्प्लिट एसी मिलने वाली है। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। उससे पहले दोस्तों आपको भी दिखाता हूँ हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो ये आ जाएगा हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। बिल्कुल यहीं पे आपको दोस्तों एक स्पेस मिल जाती है मंदिर की। ये देखिए 4x4 इसका साइज रहने वाला है और ये हमारा पूरा रहने वाला है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। देखिए इसका साइज रहने वाला है 18x11 का। तो एक बार आप देखिए फॉल सीलिंग का व्यू, हैवी फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है कंसील लाइट्स के साथ। और ये दोस्तों हमारा कॉर्नर यूनिट है। तो यहाँ देखिए एक आपको एक्स्ट्रा विंडो मिल जाती है, देखिए बहुत अच्छी अभी भी अंदर सनलाइट आ रही है। जैसे मैंने बताया पूरे घर में आपको स्प्लिट एसी विंडो मिल जाती है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? बहुत अच्छा साइज, बहुत प्यारा घर, लोकेशन स्पेशली बहुत प्यारा है, बिल्कुल हाईवे के साथ। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। और ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। अगर मैं दोस्तों इस बेडरूम के साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला है 12x11 का। तो इसमें भी देखिए फॉल सीलिंग, अलग डिजाइन, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा दोस्तों लग रहा है। अगेन स्प्लिट एसी कूलिंग पूरे घर में आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आ जाएंगे इस रूम के वार्डरोब, देखिए स्लाइडिंग के साथ है, डबल लैमिनेशन। रूफ हाइट तक है तो अच्छी स्टोरेज आपको मिलने वाली है। और ये हमारा आ जाएगा दोस्तों ड्रेसिंग टेबल, इसके पीछे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगी और नीचे भी मिल जाएगी। डबल स्टोरेज आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप अपना दोस्तों टीवी पैनल आप अपना मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी के साथ हमारा अगेन अटैच आ जाएगा वॉशरूम। अगर मैं इस वॉशरूम के साइज की बात करूं, इसका साइज रहने वाला 7x5 का, अच्छा साइज, अगेन रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई है, सीलन पपड़ी का कोई इशू नहीं है। और ये हमारा आ जाएगा दोस्तों मिक्सचर, यहाँ पे हमारी वॉलिंग सीटी आने वाली है। बात करूं वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी एग्जॉस्ट की प्रोविजनिंग। तो एक अच्छे साइज का वॉशरूम और रूम का साइज बहुत अच्छे रहने वाला है। जैसे मैंने बताया हमारे पास बोथ साइड ओपन यूनिट अवेलेबल है। तो व्यू दिखाता हूँ आपको हमारे इंडियन बालकनी का, ये आगे हमारी इंडियन बालकनी। और इसके आगे दोस्तों मैं साइज की बात करूँ, इसका साइज रहने वाला है 8x6 का। देखिए बहुत अच्छे साइज की बालकनी और ये बोथ साइड ओपन यूनिट रहने वाला है। देखिए पीछे आपको ओपन मिलने वाला है और यहीं पे आपके दोनों वॉशरूम की, दोनों आपके बेडरूम की वेंटिलेशन मिलती है। देखिए दोनों बेडरूम से आपको एक्सेस मिल जाता है हमारे लिए कोर्टयार्ड का। यहाँ पे आपको टैप की प्रोविजनिंग मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। और ये देखिए दोनों वॉशरूम का आपको वेंटिलेशन यहीं मिलने वाला है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस रूम का व्यू, चलते हैं हमारे सेकेंड रूम में। और यहाँ से देखिए एक अच्छा दोस्तों बजट फ्रेंडली घर रहने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड रूम में। 3BHK 3 वॉशरूम ये घर रहने वाला है। तो ये आ गया हम फिर से हमारे डाइनिंग एरिया में। तो यहाँ से चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। अगेन अगर मैं दोस्तों इसके साइज की बात करूँ, इसका साइज रहने वाला है 12x11। आइए अंदर, ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। फॉल सीलिंग अगेन इसकी बहुत प्यारी, बहुत हैवी आपको मिल जाएगी। अगेन आपको पूरे घर में स्प्लिट एसी की सुविधा मिल जाती है। और ये देखिए बहुत अच्छे साइज का बेडरूम, अगेन इसमें भी आपको वार्डरोब मिल जाते हैं रूफ हाइट से। और इस वॉल पे आप अपना टीवी पैनल दोस्तों डिजाइन कर सकते हैं। ये वही दोस्तों यूपीवीसी आ गया है, जहां से आपको एक्सेस मिलता है आपके रियर कोर्टयार्ड का। और इस रूम के साथ ये अटैच मिल जाता है वॉशरूम। और इस वॉशरूम के अगर मैं साइज की बात करूं, अगेन 7x5 इसका साइज रहने वाला है
और ये देखिए नीचे आपके एंटी स्किड टायर्स आ जाती हैं। अगेन यहाँ पे आपको वॉल एंड सीट मिल जाएगी, रूफ हाइट्स तक टायर्स लगी हुई हैं, सीधा पकड़ने का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको विंडोज मिलती है वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट की प्रोविजनिंग के साथ। तो ये था हमारा 3 BHK दोस्तों, 3 वॉशरूम के साथ, लो राइज फ्लोर। अगर आपको वो साइड ओपन चाहिए तो वो भी ऑप्शन मिल सकती है। अगर आपका दोस्तों बजट कम है और आपको एक अच्छी लोकेशन भी चाहिए बिल्कुल हाईवे के साथ घर, तो ये परफेक्ट आपके बजट में आने वाला है। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और दोस्तों अपनी विजिट प्लान करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करा तो वो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली घर रोज वीडियो मिलती है हमारे चैनल में। दोस्तों रोज कोई ना कोई वीडियो आती, चाहे वो मकान, दुकान, प्लॉट, आपको कोई कमर्शियल दोस्तों शोरूम चाहिए, शॉप चाहिए, रोज आपको वीडियो मिलती है। इसलिए आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं प्रॉपर्टी वर्ल्ड में तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप इस घर की शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको वहां मिलता है, वहां जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें। इसकी सारी प्राइसिंग, साइज, लोकेशन, फ्लोर वाइज आपको वहीं मिलने वाली, वहां चेक करें, क्योंकि हमारी जितनी वीडियो होती है सारे प्राइस आपको वहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ आज के इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।